सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सोयाबीन सीड्स को बीज संस्कार कैसे करते हैं उस संदर्भ में। ये देखिए, हमने आधा लीटर से इनकी बीज लिए है। हमने लगभग 10 किलोग्राम और आधा लीटर से भी कम गाय का पुराना गोमूत्र, ये ब्लैक जगरी यानी कि काला गुड़ और 5-6 ग्राम कलाई का चूना, ये सब मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये हल्का ऐसा सब बीज को लगाएंगे। को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना चाहिए ताकि सभी बीजों को लगाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से बीज संस्कार हो सके। अच्छी तरह लगाने के बाद एक बार देखना है कि प्रॉपर तरीके से लगाए या नहीं लगाए। मैं इसको ऐसा छाव में या लाइट के इसमें सुखाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से सूखना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, जिसे हम हिंदी में बीज संस्कार कहते हैं, बीज संस्कार करते हैं तो वो बीज को जमीन से निकलने की जल्दी ताकत मिलती है और बीज जो है हमने खेत में उसकी बुआई की तो वो तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद में उसको कीड़ा फंगस या कोई जो अटैक करने वाले जो जीव है उसके ऊपर, वो उसको जल्दी खाते नहीं। इसीलिए बीज संस्कार करने के बाद ही हर किसान ने कोई भी फसल की बुआई करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।